अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट ही चाइनीज़ डिश और इसको कहते हैं कुंग पाओ चिकन। जी हाँ, ये बहुत ही रेयर खाने में आता है लेकिन बहुत ही डिलीशियस होता है। आइए देखते हैं कुंग पाओ चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। इसमें हमने 150 ग्राम चिकन लिया है और उसको इस तरह से क्यूब्स में छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, और एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, एक टीस्पून डार्क सोया सॉस, हाफ टी स्पून नमक लिया है, और एक टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है वापस की सेलरी बना ली है हाफ कप पानी में, इसको एकदम लिक्विड सा हमने गोल बना लिया है। दो साबुत लाल मिर्च ली है, उसको इस तरह से पीसेज में कट कर लिया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको चॉप कर लिया है, यानी ये तकरीबन हाफ टी स्पून है, और हाफ टी स्पून ही हमने ये लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ, एक टी स्पून सिरका लिया है, और एक छोटी प्याज ली है। अगर आपके पास ये स्प्रिंग ऑनियन का पीछे का पार्ट हो तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है, हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने ये एक छोटी प्याज ले ली है, और एक हाफ टी स्पून डार्क सोया सॉस हमने वापस ली है, ये हमारी ग्रेवी में जाएगी और ये हमारा जाएगा मैरिनेशन में। और तीनों हमने बेल पेपर ली हैं, रेड येलो ग्रीन तीनों ली हैं, और ये हमने पाव पाव हिस्सा ले लिया है, पाव हिस्सा रेड, पाव येलो और पाव ग्रीन हिस्सा ले लिया है, और थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा तो, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका मूंगफली यानी सींग, जिसको महाराष्ट्र में सींग कहते हैं, रोस्टेड यानी ये पीनट है, और ये कच्चे थे हमारे पास तो उसको हमने हल्का सा सेक के उसका छिलका निकाल लिया है, आपके पास भुने हुए हैं तो भी इसमें आप ले सकते हैं। और ये कुछ हमने लिया है थोड़ा सा मसाला, ये हमने लिया है हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम यानी पाव टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, पाव टी स्पून अभी हमने नमक लिया है, और हाफ टी स्पून ली है हमने शक्कर, शक्कर ऑप्शनल है, थोड़ा सा स्वीट सा अच्छा लगता है, टैंगी सा स्वीट सा टेस्ट इसका, तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और एक हम भूल गए हैं मैगी के क्यूब्स यानी चिकन स्टॉक का जो क्यूब्स आते हैं वो इसमें डालना अभी हम भूल गए हैं, वो अभी आपको बताते हैं आगे कि हाफ क्यूब्स भी हमें इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको मैरिनेट, और इसको मैरिनेट करने के लिए हमने करना है चिकन को डाल देना है सॉल्ट इसके अंदर, इसको रख देंगे साइड में, तो ले लेंगे हम आके, और जो डार्क सोया सॉस रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, कॉर्नफ्लावर हाफ टी स्पून सॉरी वन टी स्पून ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसमें वन टी स्पून ही हम डाल देंगे ऑयल, अगर आपके पास ये तिल का तेल है तो आप वो डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। ये चिकन आप इसको इस तरह से सब अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रख देना है मैरिनेशन अच्छे से होने के लिए हाफ एन आवर के लिए, इसको साइड में हम करके रख देंगे। तो अभी ये हमारा हो गया डन, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बेहद पसंद आएगा, एक न्यू सी रेसिपी है, बहुत ड्राई सा होता है, आराम से बच्चे लोग पसंद करते हैं, मोस्टली हर घर में बच्चों को चाइनीज़ रेसिपीज़ तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जब कुछ अच्छा नहीं लगा फ़ोन किया बाहर से ऑर्डर किया चाइनीज़ मंगा लिया, मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, और लेकिन अब माशाल्लाह ये रेसिपीज़ इतनी अच्छी होती हैं तो बाहर का खाने का मन ही नहीं होता है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनाएं और घर में खाएं, बाहर का हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सच कहें तो आपसे। अभी हमारा हो गया चिकन मैरिनेट, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, कवर करने के लिए, और उसके बाद हम इसकी आगे की तैयारी करते हैं। हाफ एन आवर हो गया है, चिकन अच्छे से हमारा मैरिनेट हो चुका है, और एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, बहुत भर के नहीं लिया है, और इसको हमने शैलो सा फ्राई करना है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, ऑयल को बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लेम नहीं रखना है, थोड़ी सी मीडियम हाई फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे, और सारे पीसेस को हमने
इसको छिलो का फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ध्यान रखें जितना बड़ा आपका पैन है उतने ही पीसेस डालें। अभी हम 150 ग्राम बना रहे हैं तो अराउंड इसमें आराम से, बड़ा पैन है तो इसमें सारे पीसेस आराम से आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 1/2 kg या 1 kg बना रहे हैं तो उसको डिवाइड करके बनाएं ताकि आपका ये अच्छे से फ्राई हो सके। इसको हम थोड़ा स्लो कर देंगे फ्लेम को और इसको टर्न कर देंगे सारे पीसेस को। मैरिनेट हुआ हुआ है और बोनलेस चिकन है, छोटे पीसेस हैं तो ये पक भी बहुत जल्दी जाएगा, तो 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा। एकदम फास्ट फ्लेम की और उसको हमने सारे पीसेस को डालने के बाद फ्लेम को एकदम मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे ही हम सारे पीसेस को कुक करेंगे। इससे 1.5 मिनट के बाद आप ध्यान रखें सारे पीसेस को डालें, उसे 1-1.5 मिनट बाद उसको टर्न कर दें। सारे पीसेस को अच्छे से टर्न कर लें और दोनों साइड से आप इसे अच्छे से सेक लें। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये पीसेस डन हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी देर से ही मैरिनेट हुए रखे हैं। अगर आधे घंटे से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से उसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी चीज़ मैरिनेट होती है उतना ही जायका उसके अंदर जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक के चिकन स्टॉक के क्यूब्स आते हैं, इसमें तकरीबन एक बॉक्स में 2 पीसेज होते हैं, इसका हम हाफ ही ले रहे हैं। मतलब इसमें 2 पीसें हैं तो 2 में से मतलब उसका भी हाफ लिया है हमने और इसको इस तरह से क्रश कर लिया है। काफ़ी उड़ रहा है, बहुत केयरफुली करें, ऐसे ही अलग पलट करके दोनों साइड से इसको पका लें। जैसे ही चिकन पक जाएगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छे से कुक हो रहा है ये, थोड़ा सा अगर आपको लगे कि इसको ढकना चाहिए तो आप ढक के भी थोड़ी देर इसको कुक कर सकते हैं। चिकन अच्छे से पक चुका है, 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक गया है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर भी कर दिया था और अब हमने इसकी आगे की तैयारी करनी है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद। चिकन हमने बाहर निकाल लिया है, अभी इसमें पैन में जो ऑयल बचा हुआ है तकरीबन उसी में ही हमारा बाकी का सब जो है रेसिपी हमारी डन हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि 3 टेबलस्पून हमने यूज़ किया है और उसमें ही हमने पूरे चिकन को पका लेना है। चिकन हमने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे लहसुन, फ्लेम फास्ट कर लेंगे। लहसुन के बाद डाल देंगे अदरक। सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि ये बहुत बारीक चॉप होना चाहिए क्योंकि बड़े पीसेस होंगे तो मुंह में आएंगे वो। डाल देंगे मिर्च, सबको थोड़ा थोड़ा स्टर करते रहेंगे, बस हो गया डन। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज और इसको भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जितना कि हम बाकी रेसिपीज में पकाते हैं प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं,
लेकिन चाइनीज़ रेसिपीज़ में हर जो भी वेजिटेबल्स रखती हैं, अनियन रखती है, सब क्रंची रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि फास्ट पे फटाफट इसको स्टर करते जाएँ। हो गया, अब हम इसमें सारी वेजीज शामिल कर देंगे, येलो वाले भी, ग्रीन भी। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही डिलीशियस, यम्मी, देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें डाल देंगे डार्क सोया सॉस, जो हमने ये नमक, शक्कर और काली मिर्च रखा हुआ है इसको भी डाल देंगे। नमक हमने बहुत कम ही यूज़ किया है क्योंकि हम ये चिकन स्टॉक भी डाल रहे हैं इसमें, इसको भी डाल देंगे। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर करेंगे। डाल देंगे विनेगर, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ये मैंने एप्पल विनेगर लिया है। आप चाहें तो डार्क वाला भी ले सकते हैं और वाइट वाला भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास आप वो ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। बहुत अच्छे से स्टर करते जाएंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन अभी डाल देंगे और बाकी गार्निशिंग में डालेंगे। चाइनीज रेसिपीज में स्प्रिंग अनियन भी एक अहम किरदार अदा करती है और डिश में भी अच्छी लगती है और गार्निशिंग में भी अच्छी लगती है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखने में ही इतना यमी लग रहा है, माउथ वाटरिंग है। अब हम कर देंगे एकदम स्लो, और ये जो हमने सलरी बना के रखी है कॉर्नफ्लावर का, काफ़ी जम गया है, इसमें हम थोड़ा सा 1/2 कप पानी और ऐड कर लेंगे। तकरीबन इसमें 1/4 कप पानी हो गया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और उसमें 1/4 कप पानी, और इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से सब तरफ डाल देंगे। फ्लेम फास्ट कर लेंगे। अब इसे और हमने 2 मिनट तक और पकाना है बस। थोड़ी सी फ्लेम मीडियम कर लेंगे और जो ये हींग रखी हुई है ये आप डाल देंगे। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छी लगती है, इसमें चाहे तो आप बादाम भी डाल सकते हैं लेकिन मोस्टली इसमें मूंगफली ही जाती है। पीनट, अच्छे से आप इसको स्टर कर लें क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। तो फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। अभी बस 2 मिनट में ये बिल्कुल डन हो गया है। इस तरह से आप इसको स्टर करते हैं। बहुत ही यम्मी बनी है मसाला, जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी हो गई हमारी डन, फ्लेम को कर देंगे हम बंद और आपको करके दिखाते हैं डिश आउट। तो लीजिए नाज़रीन, ये डिलीशियस सा कुंग पाओ चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।